गर्मी के कारण दिल्ली में तेजी नहीं पकड़ पाई वोटिंग। पूर्वी दिल्ली में कम और उत्तर पूर्वी दिल्ली में ज्यादा हुआ मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच नहीं हुई कोई अप्रिय घटना। पूर्वी दिल्ली में दिग्गज नेताओं ने डाला वोट। प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने अपने पूरे परिवार के साथ डाला वोट। मनोज तिवारी और कुलदीप कुमार ने भी डाला वोट। पूर्वी दिल्ली में सुबह सुबह ही वोट देने पहुंचे बुजुर्ग। कई लोगों ने पहली बार डाला वोट। युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर किया मतदान। पूर्वी दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक बूथ की सुविधाएं। वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए मिली रिक्शा की सेवा। बुजुर्गों को दी गई व्हीलचेयर की सुविधा। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में वोटर्स को हुई परेशानी। कई लोगों का कहना है कि वोटिंग लिस्ट से हटा नाम, लोगों में दिखाई दिया गुस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन लाइव पर। मैं हूं आपके साथ जेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और 2 घंटे में करीब 10% मतदान भी हुआ है। तेज धूप और गर्मी के बीच मतदान बाद में बहुत तेजी नहीं पकड़ पाया। अगर मुस्लिम इलाकों को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में वोटिंग का पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहा। शाम 3 बजे तक जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली में 47.85% मतदान हो चुका था, वहीं पूर्वी दिल्ली में ये 44% साथ रहा। सबसे ज्यादा वोटिंग सीरमपुर में 53% से ज्यादा रही, जबकि मुस्तफाबाद और बाबरपुर में 51% से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। बुराड़ी में सबसे कम 44% लोगों ने ही वोट डाले। रोहतास नगर में 50, गोंडा में 47 और तिमारपुर में 39% ही मतदान हुआ है। आपको बता दें कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस के कन्हैया कुमार के समर्थन में मतदान की खबर है, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले इलाकों में वोटिंग कम रही। जहां तक पूर्वी दिल्ली का सवाल है तो त्रिलोकपुरी में दोपहर 3 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और 48% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। इसी तरह विश्वास नगर, कोंडली, लक्ष्मी नगर, पड़पड़गंज में 46% मतदान हुआ है। कृष्णा नगर और शाहदरा में भी 46% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, जबकि ओखला और जंगपुरा की बात करें तो दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग बहुत कम रही, सिर्फ 39% ही दर्ज की गई। दोनों संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग की धीमी शुरुआत हुई। जहां पहले 2 घंटों में करीब 10% मतदान हुआ, वहीं सुबह 11 बजे की बात करें तो 11 बजे तक पूर्वी दिल्ली में 22% और उत्तर पूर्व दिल्ली में 24% लोगों ने वोट डाले थे। दोपहर 1 बजे तक मतदान में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई और पूर्वी दिल्ली के 34% लोग वोट डाल चुके थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 37% से ज्यादा लोगों ने दोपहर 1 बजे तक अपने वोट का इस्तेमाल किया। वहीं शाम 6 बजे के बाद 55% से ज्यादा लोग वोट डाल चुके थे, लेकिन पोलिंग स्टेशन में मौजूद होने के कारण उन्हें अपना वोट का इस्तेमाल करने का हक मिला। उम्मीद है कि दिल्ली में कुल मतदान 55 से 60% के बीच हुआ है। वोटिंग के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा की गई, साथ ही हर एक पोलिंग बूथ पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ था। मतदान में किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे कैसी व्यवस्था थी अंदर और क्या क्या? अच्छा था, वो कह रहे थे कूलर, लेकिन कूलर अभी अभी आए हैं 4। नहीं, बढ़िया माहौल चल रहा है। लोग वोट आ रहे हैं, सुबह से ही डाल रहे हैं लोग वोट। डालने बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट डाला है, बेरोजगारी संविधान के रूप में मैंने वोट डाला है। अंदर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है। जो फोन वोन अंदर लेके नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप में से कोई भी अगर वोट देने आ रहा है तो फोन लेके ना आए कृपया। और बहुत ही कन्वीनियंस से हो रहा है सारा काम, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई झोल लपट्टा कुछ नहीं हो रहा, सारा एकदम स्मूथ प्रोसेस में चल रहा है। मैं वोट डालने गई थी, अंदर बहुत शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है, बड़े आराम से लोग वोट डाल के जा रहे हैं। अंदर सारी व्यवस्थाएँ, साफ सफाई की व्यवस्था, सब बड़े अच्छे पूर्ण रूप से। विकास के मुद्दे पर वोट डाला है हमने। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत खुशी है कि भाई 2024 का चुनाव हो रहे हैं, वोट डाल के आएंगे। इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी ऐसी गर्मी में हम वोट डालना आएंगे, हमें अपने पर गर्व है, देश के पर गर्व है।
कैसी व्यवस्था अंदर की गई है मतदान? नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, फर्स्ट क्लास एकदम, सब कुछ ओके है। मेरे हिसाब से भारत के हर नागरिक को वोट डालना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमें हमारा हक है वोट डालना, और वोट डालिए। जय हिंद। बहुत मज़ा आया, और वैसे सुबह डालने का फ़ायदा ये है ना, आज धूप भी ज़्यादा है तो दिन में धूप रहेगी तो दिक्कत होगी, तो सुबह सुबह वोट डाल दो, अपना काम हो गया। अंदर कैसी व्यवस्था की गई है? और बहुत अच्छी व्यवस्था है अंदर, पानी वगैरह पी रहे हैं सब, लेके भी आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए। समय तो नहीं लग रहा, लाइन वगैरह कैसी है? नहीं, लाइन भी अच्छी है, समय नहीं लगा। एक्सपीरियंस था मतलब अंदर, इन द सेंस कि काफ़ी ऑर्गेनाइज लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कोई भी बायसनेस दिखी अंदर, तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। गर्मी ऐसा तो नहीं कि चुनाव पर गर्मी का प्रकोप दिखाई देगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मतदाता सही चल रहा ना। 137 में थोड़ी सी भीड़ लग रही है, बाकी ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पंखे तेजी से हो रहा है, आजकल पंखे भी लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है, धूप तो है लेकिन ठीक है वहाँ बहुत। आज पूर्वी दिल्ली की सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने भी अपना वोट डाला। बता दें कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनोज तिवारी ने पहले घर पर पूजा अर्चना करके देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और फिर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने अपने पूरे परिवार के साथ गांधी मेमोरियल स्कूल में जाकर वोट डाला। वहीं आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भी मतदान किया और विनोद नगर निगम परिषद रविंद्र सिंह नेगी ने भी मतदान किया। बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने गांधीनगर के एक पोलिंग बूथ पर अपना जाकर वोट डाला। वोटर मजबूत भारत के लिए वोट दे रहा है, सुदृढ़ नेतृत्व के लिए दे रहा है, विकसित भारत के लिए दे रहा है, और एक अच्छे हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है उसके लिए वोट दे रहा है। वोटर्स बाहर आ रहा है, वोटर्स को मालूम है कि मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत आवश्यक है, एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, दिल्ली का हर नागरिक आज घर से निकले। देखिए, मैं जा रहा हूँ कई जगह, वोटिंग बहुत स्लो है और लोग, लेकिन स्लो मीन्स मतलब लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, वोटिंग अंदर स्पीड से नहीं हो रही है। तो मैंने कई जगह वहाँ जाके प्रेजिडेंटिंग ऑफिसर को कहा भी है कि आप वोटिंग को थोड़ा स्पीडली बढ़ाइए आगे, ताकि लोग लंबी लंबी लाइनों में लग के आ रहे हैं, लोग चुनाव आयोग की बात को समझ रहे हैं कि उन्हें वोट देने निकलना चाहिए। और मैं उनसे अपील भी करता हूँ, आप ज़्यादा संख्या में बाहर निकले, जनता वोट देने के लिए निकले। और ये चुनाव जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन ये चुनाव इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव जो है दिल्ली के डेवलपमेंट मॉडल को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और पूरी दिल्ली के लोगों ने वैसे 10 साल धोखा सा है, तो उनको उस धोखे से बाहर निकलने का चुनाव है। अब की बार मैदान में उनका बेटा, उनका भाई उनके बीच में है, तो मैं तो कहता हूँ कि अब की बार ज़्यादा संख्या में निकलिए, मतदान का प्रयोग कीजिए और ताना शका उखाड़ के फेंकिए। मैंने अपने पूरे परिवार के साथ अभी यहाँ पर मतदान किया है और बहुत अच्छी फीलिंग है जब आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, और ये आपके वोट से ये बात तय होती है कि देश में सरकार किनकी होगी, आपका जनप्रतिनिधि कौन होगा संसद में, और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा जिसने पिछले 10 वर्षों में जन कल्याण के कार्य करते हुए देश की 140 करोड़ जनता को कहीं ना कहीं लाभान्वित किया है, चाहे वो कोविड के समय में 140 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन होने की बात हो, चाहे गरीब लोगों को तब कोविड से लेकर के आज तक मुफ्त में राशन मिलने की बात हो, आज जनता बहुत आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को दे रही है। कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया, भारत को टुकड़े टुकड़े करने का भाव, भारत की सेना को गाली देने का भाव, भारत के अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला भाव, इस देश में घर घर से आतंकवादी निकालने वाला भाव। मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे, अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए। नहीं कहना क्या भाई, ये तो एकदम आपने खुद ही कहा कि पर्व है, तो बड़ा आनंद होता है किसी भी पर्व में पार्टिसिपेट करने में, और मैं समझता हूँ कि भारत के भविष्य के लिए 2024 का मतदान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है, देश भर में भी 50 से ज़्यादा सीटों पर हो रहा है, 6 चरण पूरे हो गए हैं, 1 तारीख को 7वां चरण भी पूरा हो जाएगा, फिर 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो ये भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए निश्चित रूप से लोकतंत्र का पर्व है और लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल के वोट डालें। और आज जब वोट डाला और जिस तरीके का उत्साह आम वोटर में देख रहा हूं मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के लिए, मैंने जो है अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा उत्साह नहीं देखा। और निश्चित रूप से जो है देश की मजबूती के लिए, देश के को आगे बढ़ाने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं, तो लोग उत्साह और त्यौहार की तरह इस वोट को डाल रहे हैं। और इसमें अब कोई शक रह नहीं गया कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बनके इस देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, राष्ट्र हित में लोग मतदान कर रहे हैं और देश में जो पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं, क्रांतिकारी काम हुए हैं, देश का विकास हुआ है और उस विकास के लिए लोग जनता खूब मतदान कर रही है। सर 2 घंटे पोलिंग को हो चुके हैं, शुरू हुए, कैसे लग रहा है कि लोग कितने निकल रहे हैं? बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है, खचाखच लाइनें लंबी लगी हुई है, पर दिल्ली सरकार की बद इंतजामी की वजह से कई जगह दिक्कत आ रही है। इन लोगों ने बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं करा, दिल्ली चुनाव आयोग ने जबकि इंतजाम करना चाहिए था। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव के दौरान उत्साह की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोगों ने पहली बार मतदान किया, युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कई इलाके जैसे जंगपुरा, ओखला, त्रिलोकपुरी, कोंडली, पड़परगंज, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, गांधी नगर और शाहदरा में कई मतदाता पहली बार मतदान करने पहुंचे। बता दें कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कई चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डाला। जब CCN संवाददाता ने बूथ पर आए फर्स्ट टाइम वोटर से बात की तो उन्होंने बताया कि पहली बार वोट देने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बुजुर्ग सुबह ही वोट डाल चुके थे जिनके लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। बता दें कि एक बुजुर्ग महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया। अंदर की व्यवस्था कैसी है? ठीक है, ठीक है। मतलब भीड़ हो रही है अंदर? नहीं, भीड़ नहीं ज्यादा, मतलब अंदर से आराम से हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा और 4 सीट विल बी द लास्ट वन। ओके, इन अनदर 2 इयर्स आई विल रीच 100। मतलब मेरे को सीनियर सिटीजन की अलग लाइन, अब मेरे को एक हेल्पर भी दिया उन्होंने कि आप इनके साथ जा सकते हो, बिकॉज मेरे पास स्पेक्स नहीं थे तो मैं देख नहीं पा रही थी। बुजुर्ग आदमी के लिए बैठने के लिए जगह है, पकड़ के आदमी आगे ले जाता है, फिरवाता है वोट डलवा के फिर वापस ले, वो तो भगवान की देन है। हम तो डाल के आगे फटाफट, नहीं कोई समय नहीं लगा। अच्छा लग रहा है, इस बार फर्स्ट टाइम है तो एज अ ड्यूटी अच्छा लग रहा है कि फाइनली करा वोट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। और अभी तक जो आसपास देखे हैं चेंजेस, जितना न्यूज़ से पता चलता है बहुत डिफरेंट चैनल्स को विजिट करके, एजुकेशन को लेकर रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जितने चेंजेस स्कूल में आए हैं हमारे, तो मतलब आई बीन पास आउट, लेकिन उसके बाद जितने जूनियर से पता चला है और जितना लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं अपने करियर ऑप्शंस, बहुत फील्ड्स न्यू ओपन हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मोदी जी को वोट दिया है कि देश का बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी हो और मोदी जी सबको बहुत अच्छे से, मतलब सब बहुत अच्छा, मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम वोट दे के, और मुझे अच्छा फील हुआ और बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरा मोटिव ये था कि गवर्नमेंट ऐसी हो कि पूरे सबको सही लगे, जितनी सारी इम्प्रूवमेंट पहले आई है हम सब उसको देख के, मैंने उसको देख के ही वोट दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है पहला। हाँ जी, बिल्कुल खाली है, मतलब इतने भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सब चीज़ की सुविधा है, सब फैसिलिटीज़ है। फर्स्ट टाइम पे यहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब नहीं था, बट स्टिल मतलब जो जितना हमने सीखा है कि मतलब वोट कैसे प्रोसेस होता है, राइट टू वोट के हिसाब से हमने जो डालना था मैंने डाल दिया है। अंदर अरेंजमेंट मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, लाइक यहाँ पे कूलर की जो सुविधाएँ नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे जो फीस नहीं है। मैडम सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी पे वोट डल रही है। बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटी है, पानी वगैरह सब है। नहीं अभी युवा तो नहीं है, अभी तो एजेड लोग ही दिख रहे हैं। हाँ तो देख रहा है, थोड़ी देर में रश होएगा ज़्यादा। आज पहली बार दे रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफ़ी। बेसिकली मैंने जो भी कैंडिडेट्स थे उनको कैंपेनिंग करते हुए देखा और जिस तरह उन्होंने कैंपेनिंग में अपनी बातें बोली, उनमें जो मुद्दे उठाए, हाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, लाइन लंबी है,
और गर्मी है थोड़ी आज। वोटर है, कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस क्या है? सही है, बेस्ट है। घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं भेजा? तो, मन से आए आप? मैं तो सोचते भी उठ के आ गए कि मैंने वोट डालना है। पूर्वी दिल्ली में मतदान करने आए वोटर्स काफी खुश दिखे। लोगों ने चुनाव आयोग की तरफ से की गई व्यवस्था की भी सराहना की है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोगों से बात की और वहां का जायजा लिया। इस दौरान कई वोटर्स पहली बार वोट डालने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वॉलंटियर्स ने उनकी काफी मदद की और सारे स्टेप्स अच्छे से बताए। साथ ही वहां पर बुजुर्ग से भी बात की तो उन्होंने बताया कि उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की है ताकि उन्हें मतदान देने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए विश्वकर्मा नगर पर बने पोलिंग बूथ पर लोगों को लाने और ले जाने के लिए रिक्शा मुहैया कराई गई, जिसकी वजह से मतदाताओं को काफी राहत मिली। विश्वास नगर विधानसभा में आने वाले राम विहार स्थित BNPS स्कूल में महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया था। नहीं, वोट तो कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, मतलब लेकिन इट इज़ लाइक गर्मी की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो लोग ज़्यादा एल्डरली हैं, एजड हैं, उनका एक पेशेंस लूज़ हो रहा है, तो वो मतलब जितना अभी मैंने देखा कि एक दो लोग वापस चले गए कि शायद हम थोड़ी देर बाद आएंगे, बट ओवरऑल सही है, अच्छा चल रहा है। जहाँ तक व्यवस्था का मामला है, हमने दो तीन दिन से हम लगातार ट्वीट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि लोगों के लिए फैसिलिटीज़ पूरी होनी चाहिए, पानी हो, पंखे हो, कूलर हो, कोई शेड वगैरह हो उनके बैठने के लिए, और हमने तो ये भी एम्बुलेंस वगैरह हो, कोई डॉक्टर हो, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी गिर के बेहोश हो सकता है, बहुत बुरा हाल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो हाई अलर्ट है और दूसरी तरफ जो लेवल्स हैं इस समय गर्मी के बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, खड़े खड़े पसीने छूट रहे हैं, ये हालत है यहाँ की। और साथ में हमने इनको ये भी कहा था कि टाइम बढ़ा दो, क्योंकि जो लोग नहीं आ पा रहे वो रात में आके 6 के बाद भी 7-8-9 बजे तक भी वोट डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था क्या है, बुजुर्गों को आगे फटान जल्दी करवा दिया बस। हाँ, व्हीलचेयर है, उन्होंने कहा था मेरे गई नहीं। नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, आराम से गए, जैसे गए वैसे ही आ गए हम लोग। बुद्धि क्या, वही अच्छे जो आएगा वही बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, पर वही है ना, जिसने जो अभी तक अच्छा चलाया वही आए तो अच्छा है। फैसिलिटीज तो वैसे पूरी है, वहाँ पर व्हील चेयर भी है और जो है कैंडिडेट भी है उनके हेल्पर के लिए, ठीक है, और लाइन अलग है उनके लिए बंदा पूरा है। और अभी वोट दे के आए हो, अंदर व्यवस्था बड़ी अच्छी है, पानी की और बाकी व्हील चेयर है, जैसे आप जो हैंडीकैप और जो ओल्ड सिटीजन्स हैं और अगर कोई बच्चे को लेके आए हैं तो क्रैश फैसिलिटी भी है, तो अच्छी व्यवस्था की इलेक्शन कमीशन ने और क्राउड भी ज़्यादा नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट इज़ आल्सो गुड। एग्जैक्टली, गर्मी तो है लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है उन्होंने। सेपरेट रूम्स हैं, आपके पर्ची पर रूम लिखा हुआ स्लिप के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, और लकीली मेरा रूम ऐसा था वो बिल्कुल खाली था, तो मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया था। व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और बुज़ुर्गों का बड़ा खास ध्यान रखा गया है, जब बुज़ुर्ग आते हैं तो उनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, बड़ा सिस्टमेटिक और बहुत ही शांतिपूर्ण सब चीज़ें चल रही हैं। मैम गर्मी ज़्यादा लेकिन पूरा सिक्योरिटी है मैम फुल, और काफ़ी अच्छा है अंदर, 1 by 1 वोटिंग हो रही है, कोई रश नहीं, पानी की व्यवस्था अच्छी है, वॉशरूम की व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और पानी की हर तरह की व्यवस्था है, जैसे कि जो लोग आ रहे हैं गर्मी से परेशान है लोग गर्मी, उसके बाद भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है और लोगों में खुद भी बहुत जागरूकता है, लोग जागरूक हैं, राष्ट्र के प्रति जो उनका मतदान करने का अधिकार है उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं लोग, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इस बार फर्स्ट टाइम है तो एज अ ड्यूटी अच्छा लग रहा है कि फाइनली करा वोट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। और अभी तक जो आसपास देखे हैं चेंजेस, जितना न्यूज़ से पता चलता है बहुत डिफरेंट चैनल्स को विजिट करके, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी सारी सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अंदर जी। देश का विकास, राष्ट्रीय हित में वोट किया है हमने, और जिस तरीके से देश में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। ये वोट जो है ना, ये किसी कैंडिडेट को नहीं जा रहा, ये वोट जा रहा देश के लिए। अंदर की व्यवस्था जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, सभी पार्टी के वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पानी की व्यवस्था पूरी है, ठंडा पानी अंदर प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ से ग्लासेस भी जा रहे हैं और सभी का पेय का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक हो रही है, बहुत नहीं कुछ दिक्कत, अच्छी व्यवस्था है, कोई भीड़ भी नहीं है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, सुचारू रूप से कार्य चल रहा है सारा। बहुत अच्छी सस्टेनेबिलिटी बनाई हुई है पुलिस वालों ने भी और सब ने, और काफ़ी अच्छी तरीके से कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से।
दिल्ली में जिस तरीके से सातों विधानसभा सीटों पे जो है इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग लगातार सुबह से जारी है। सुबह के समय जब मौसम ठंडा था तो लगातार वोटिंग हो रही थी, हर वर्ग का व्यक्ति निकल के आ रहा था, खास करके बुजुर्ग लोग ज़्यादा देखने को मिले। अब इस समय तकरीबन 1 बज चुका है, दोपहर का समय और सूरज भी बिल्कुल अपनी गर्मी जो अपनी तपिश जो लोगों को देता जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूँ कृष्णानगर के एक काउंट सेंटर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है। सुरक्षाकर्मी लगातार सेंटर्स पर मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो भीड़ है, लगातार जो मतदाता हैं वो यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स हो, आम जनता हो, युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सभी तरीके के लोग यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व की खुशी के बीच कई लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल जाफराबाद इलाके में कई लोगों की वोटिंग लिस्ट में से नाम काटने की समस्या सामने आई है, जिसकी वजह से लोग वोट नहीं डाल पाए। जब CCN संवाददाता ने वोटर से बात की तो उन्होंने बताया कि काफी दूर से वो आ रहे हैं और उनका वोटिंग लिस्ट से नाम हट चुका है, जबकि वे पिछले साल कई सालों से वोट डाल रहे हैं। वहीं मुस्तफाबाद की बात करें तो मुस्तफाबाद, जाफराबाद और सीलमपुर की जनता ने वोटिंग स्लो का आरोप लगाया है। मतदाताओं का कहना था कि वोटिंग मशीन काफी स्लो चल रही थी और वोट डालने में काफी टाइम लग रहा था। वहीं विधानसभा सीलमपुर में वोटर्स की काफी लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं अगर बात करें दल्लूपुरा की तो वहां पर सुबह से 3 बार लाइट भी जा चुकी है, इसके चलते पोलिंग स्टाफ भी परेशान नजर आए और मतदाताओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में व्यवस्था में कमी भी देखने को मिली है। कई लोगों ने शिकायत की है कि पूर्वी दिल्ली के कई मतदान केंद्रों में ठंडा पानी और व्यवस्था में कमी दिखाई दी है। मेरा वोट उन्होंने लिस्ट के अंदर डिलीट कर दिया, उसके अंदर मेरा फोटो भी है, सब कुछ है, मेरे पास पर्ची भी है और यहाँ मेरा जो है वोटर आई डी कार्ड भी है। लेकिन मैं 1 घंटे लाइन में लग के गया, अंदर कह रहे हैं जी वोट डिलीट हो गया, उसके ऊपर जो उन्होंने डिलीट का मोहर लगा रखा। आपका वोट आया नहीं आया? आया तो है। आपने वोट डाल दिया है? जी मैंने डाल दिया। वोट कटने की शिकायत आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? कितने वोट कटे? हमारे घर के भी 2 वोट कट चुके हैं। अच्छा, क्या लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है या नहीं आ ही नहीं रहा? वोट ही कट गया, डिलीट है। आप वोट को डाल के चले गए यहाँ पे आपके नाम से? हाँ। तो क्या बताया गया? तुम्हारा तो टिक लगा हुआ है। अच्छा, हम तुम कह रहे 4 बजे आना। 4 बजे बुलाया? हाँ। कौन से एरिया में? ये 67 में। ये कोई तरीका थोड़ी है, कोई भी डाल के चल देगा। अंदर चेकिंग की जा रही है? नहीं की जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ही है, पर्ची ले रहा है, कुछ भी नहीं चेकिंग कर रहा है। डाटा हटा के तो देखना चाहिए ना कौन है कौन नहीं है। व्हील चेयर पर मेरी अम्मी आई थी, मैं लेकर आई, लेकिन उन ये वोट नहीं आया। देखो कितने वोट काट रहे हैं लोग मुसलमानों के, और पिछले हर बार वोट डालती हैं वो, इतनी मुश्किल से यहाँ लेकर आए और वोट काट दिया। अंदर के दिन का वोट नहीं आया, सब जगह चेक करवा लिया मैंने। इसमें ना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है ना, फेस का डाटा हटवा कर देख रहा है और ऐसे ही वोट डलवा रहा है। बस आईडी तो देख रहा है वो, लेकिन फेस देखना ज़रूरी है जिससे पता चले कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन फेस नहीं देख रहा है। पर हाँ, फर्जी वोट। अभी एक लेडीज़ गई हैं, गर्मी बहुत हो रही है ना, पंखे हैं। इलेक्शन कमीशन पहले से बेटर कर सकते थे, अंदर गर्मी बहुत हो रही है, टर्नआउट लोगों का ज़्यादा है, ये इशारा किस तरफ करता है? लोकतंत्र में ज़्यादा टर्नआउट होता था, इसके मतलब इट्स फॉर अ चेंज। हाउएवर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतनी अच्छी व्यवस्था अंदर नहीं कर रखी जितनी होनी चाहिए। गर्मी बहुत है, बहुत टाइम लग रहा है वोट डालने में पर्टिकुलरली, तो थोड़े से डेवलपमेंट की नीड है। फर्स्ट टाइम का तो अनुभव ही अलग होता है और अब अलग है। हम लोग सब चीज़ देख के, मुद्दे देख के वोट डालते हैं, तो फर्स्ट टाइम तो एज अ यंगस्टर दिया था, अब एज अ फैमिली मैन वोट दे रहे हैं, तो बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटी की व्यवस्था के बारे में तो मैं कुछ ना ही गया हूँ तो बेहतर होगा, ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन मेरा मानना है शायद उसकी ज़रूरत भी ना हो, इसलिए ही ऐसा रखा गया हो। चरम तोड़ गर्मी है बिल्कुल, उन्होंने थोड़े इंतज़ाम तो कराने की कोशिश करी, लेकिन पंखों की व्यवस्था ठीक नहीं है वहाँ, तो लाइन में खड़े होकर आपको इंतज़ार करना पड़ता, लगता है कि शायद ये सजा हो गई है वोट देना भी। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में मतदान करने गए लोगों को परेशानी का सामना पड़ा है। दरअसल ईवीएम मशीन में खराबी आने की वजह से लोगों को गर्मी में काफी इंतजार करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि करीब 1/2 घंटे तक लोगों को मतदान केंद्र पर खड़ा होना पड़ा है। वहीं अगर बात करें मुस्तफाबाद, जाफराबाद और सीलमपुर की तो जनता ने वोटिंग स्लो का आरोप लगाया है। जनता का कहना था कि वोटिंग मशीन काफी स्लो चल रही है और वोट डालने में टाइम लग रहा है। जब CCN संवाददाता ने वोटर से बात की तो उन्होंने बताया कि वो काफी दूर से आए हैं और उनका वोटिंग लिस्ट से नाम कट चुका है, जब वे पिछले कई सालों से वोट डाल रहे हैं, जबकि वे पिछले कई सालों से वोट डाल रहे हैं और लाइनें लंबी हैं, काफी देर तक लाइनों पर खड़ा होना पड़ रहा है।
आधा घंटा भी मशीन खराब हुई थी अंदर, तो चेंज करी उन लोगों ने, अब ठीक है। हाँ जी होना चाहिए। 15 से 20 लोगों को दिक्कत हुई थी, आधे घंटे तक वहाँ खड़ा रहना पड़ा गर्मी में, तो लोगों को दिक्कत भी हुई, अंदर सीनियर सिटीजन भी हैं, तो इस वजह से। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में अधिक उत्साह देखने को मिला है। सीसीएन संवाददाता ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे कि सीलमपुर, जाफराबाद, ब्रह्मपुरी, नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, मोजपुर और गोकुलपुरी का जायजा लिया, तो कई इलाकों में वोटिंग काफी स्लो पाई गई। आपको बता दें कि काफी तादाद में वोटिंग थी, वहीं कई जगहों पर मतदाताओं को लंबी लाइनों की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात करें मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग की, तो महिलाओं को लेकर कुछ खास चेकिंग नहीं की जा रही थी और बिना चेहरे देखकर ही उन्हें वोट देने की इजाजत दी गई। यहां मतदान डालने के लिए आए युवाओं से लेकर महिलाएं व बुजुर्ग काफी उत्सुक दिखाई दिए। और वोटिंग ठीक ठाक चल रही है, आराम से नंबर आ रहा, थोड़ी बहुत भीड़ तो है पर सब अच्छे से वोट डाल रहे हैं, वोटिंग सही है, चल रही है वोटिंग। खासकर मुस्लिम एरिया में कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहेगा, तो उस तरीके से देखा जाए तो कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है? यहाँ कम से कम 20-30% तो बढ़ेगी वोटिंग की, और काफ़ी वोट डाल रहे हैं मुस्लिम लोग भी, ऐसी बात नहीं है। सच जैसा भी कुछ हो रहा, बहुत सही वोटिंग हो रही है यहाँ पर, अच्छी खासी वोटिंग चल रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। ये सर जाफराबाद एरिया चौहान बागर है जी। यूथ जो वोट डालने आ रहा है वो तो उसके बाद ही पता चलेगा, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट डालिए, ये हमारी हक है और ये डालना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए यूथ को भी और सब लोगों को, चाहे गर्मी कैसी भी है जो भी है, अब करना तो पड़ेगा मैनेज। सर अभी क्राउड ज़्यादा है क्योंकि गर्मी बहुत है, आज कल से ज़्यादा गर्मी है, तो अभी सुबह सुबह में क्राउड बहुत है, लंबी लंबी लाइन है, काफ़ी वेट करना पड़ा हमें बहुत। बहुत अच्छी चल रही है। कितनी देर में नंबर आ जा रहा है? हमारा आ गया 10-15 मिनट में आ गया। हमारा महिलाओं के लिए खासकर कई एरिया में कहा गया था कि अब बुरखे माती है, चेकिंग का महिला लेडीज है कोई या किस तरीके का है? नहीं नहीं कोई चेकिंग नहीं हुई। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कितनी भीड़ है अंदर? तो देखिए भीड़ तो अच्छी खासी है, किसी ये तो किसी पोलिंग बूथ पे कितने उसके कैंडिडेट कितने वोटर हैं उस बात पे डिपेंड करता है। हाँ जिसमें ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा भीड़ है, जिस उसमें लिस्ट में कम है उसमें कम भीड़ है। लाओ की राजनीति चाहते हैं, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार ताली पार करके रहेगी दिल्ली की जनता, अब की बार इंडिया गठबंधन जो है वो जीत के आएगा सामने। हाँ बिल्कुल, पानी की खाने पीने की समोसे वगैरह सब अंदर चल रहा है, चाय नाश्ता सब कुछ चल रहा है, और लोग वोटर भी अच्छे खड़े हैं। अपना वोट जो डाला है विकास के लिए डाला है कि युवाओं को रोज़गारी मिले, जो बेरोजगार तबका परेशान है, किसी उस पर लाइन पे लाइन लग रही है कोई खाली पड़ा, मेरा बूथ 69 नंबर था बिल्कुल खाली था, और वो पानी वानी का जो बता रहा है, पानी वानी की खाने पीने की सुविधा उनके लिए है जो अंदर काम कर रहा है, जो हम वोटर हैं हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। वोटिंग के लिए तो वोटर बहुत जा रहे हैं, लेकिन पोलिंग बूथों पर भीड़ लगी हुई, लाइनें लगी हुई बहुत लंबी लंबी, बहुत स्लो पोलिंग हो रहा है, और रुझान तो यहाँ ज़्यादातर कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस का ही है। नहीं हमारे यहाँ भी इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं है, किसी ने वो पर्दा हटाने की बात की हो, और पर्दा हटाने की बाहर ज़रूरत तो नहीं है, जब वो बूथ पर जाएंगे वो अपने आप देख लेंगे, वो अंदर जो भी पोलिंग ऑफिसर है या एजेंट बैठे हैं वो उनका काम है, बाहर पुलिस का काम थोड़ा ही है। पूर्वी दिल्ली के अंदर मतदाताओं का हौसला बुलंद करने के लिए भव्य रामलीला समिति की ओर से ज्वाला नगर के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि ये सेवा बिल्कुल निशुल्क थी, हर पोलिंग बूथ पर एक बैटरी रिक्शा के अंदर ड्रम में पानी भर के भेजा जा रहा था। साथ ही भव्य रामलीला समिति के कार्यकर्ता मतदाताओं को बढ़ती गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडा पीने का पानी वितरण कर रहे थे। जब इस पूरे मामले पर सीसीएन संवाददाता ने भव्य रामलीला समिति के प्रधान सतीश से बात की, तो उन्होंने बताया कि इतनी भीषण गर्मी के अंदर मतदाता अपने घर से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, मैं उनके हौसलों को नमन करता हूँ। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ। नमस्कार।